हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक्स फ्रूट और आज है एपिसोड नंबर 109। जी हाँ, 109 एपिसोड है ये। तो आज वाले एपिसोड में मैं ट्राई करने वाला हूँ फाइनली लिवायथम हंट के लिए। और एक खुशखबरी दे देता हूँ कि मैं जल्द ही लिवायथम हंट कंप्लीट भी कर दूंगा और तुम लोग इसे देख सकते हो। मतलब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ फिलहाल और अगले कुछ वीडियोस में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये वो वाले वीडियोस हैं जो कि हैकिंग से पहले हो गए थे। तो तुम मतलब बेसिकली मैंने टाइमलाइन बता दी, अब तुम लोग अपने हिसाब से सोच लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे टेरर शार्क का किल। लेकिन टेरर शार्क एक मतलब ज़िद्दी प्राणी है, इतना आसानी से किल होती नहीं है बिल्कुल भी। और तुम लोगों ने देख नोटिस भी किया होगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मैंने मैग्मा फ्रूट लिया हुआ है, क्योंकि मैं सारे गंदे तो नहीं मतलब काफ़ी अच्छे वाले फ्रूट्स जो थे वो सारे खा चुका था। तो ले देके यही बचा था मेरे पास, मतलब मैग्मा फ्रूट। और मैग्मा तुम्हें पता है काफ़ी इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब भगाने वाला काम भी है। मतलब ठीक है, लेकिन अगर 5-7 जने हो तो ठीक है लिवायथम हंट के लिए, लेकिन यहाँ पे अकेले बंदे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कौन सा फ्रूट है ये मेरा, मैग्मा फ्रूट। तो इस फ्रूट के साथ काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती कभी कभी नहीं मतलब हमेशा ही होती है। और यहाँ पे 4-5 तो इसके सब मिनियंस पड़े हुए हैं, मैंने कुछ तो मार दिया इसमें से। और मेन वाला बॉस किधर है पता नहीं भाई। एक तो बहुत जल्दी मेरी खाकी चली जा रही है, शिप तो डूब गई भाई, मेरी शिप यहाँ पे डूब चुकी है। और यहाँ पे टेरर शार्क अभी भी टेरर दिखा रही है। और मेरी 600-800 बच जाऊँगा क्या मैं, पता नहीं, अब मे भी बच जाऊँ, नहीं बच पाऊँगा। तो फाइनली पहला किल मेरा हो चुका है और अभी बचे मेरे किल होने। और यहाँ पे तुम लोगों को पता है मैं दुखी हूँ, लेकिन मेरी वॉइस में कतई दुख नहीं दिखता, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ इसलिए नहीं दुख रहता। और वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि भाई इतनी जल्दी तो हम हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। मैं मतलब जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो ऐसा कुछ उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि फ्रूट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मैं YouTube वीडियोस देख के आया था कि लोगों ने मैग्मा फ्रूट के साथ किया है लिवाई हंट, लेकिन वो 5-7 जनों के झुंड में किया है। मतलब एक अकेले बंदे ने ऐसे निकल के नहीं किया है कि आज मैं लिवाई हंट करके आऊँगा अकेले। तो फिर से मेरा किल हो जाता है। और तुम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये बहुत बेदर्द किल था। पिछली बार तो मैंने थोड़ी देर सर्वाइव किया था, इस बार कतई सर्वाइव नहीं हो पाया, मतलब बिल्कुल हम से ना हो पाया। और इसके बाद मैंने लूफी वाली जो स्टार्टर बोर्ड होती है वो पकड़ी, वो तो नहीं है यार, वो तो काफ़ी मतलब छोटी थी, ये काफ़ी अच्छी है यार फिर भी। तो उसके बाद में मैंने स्टार्टिंग से हाकी नहीं यूज़ करी, मतलब यहाँ पे काला से ही आ चुका था। और यहाँ पे फिर से इस बार तो शार्क भी नहीं आई, शायद टेरर शार्क आई डोंट थिंक सो आई थी इस बार में। और यहाँ पे मैं अपनी अवेकनिंग कर लेता हूँ, और अवेकनिंग करके भी यहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा मैं। तुम लोग जस्ट देखना अभी कहाँ है भाई टेरर शार्क, दिख तो रही नहीं कहाँ है, शिप के नीचे है कि अंदर फंसी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो मारा, पता नहीं क्या मारा मैंने, पर इतना कंफर्म है कि टेरर शार्क नहीं मारी है, क्योंकि टेरर शार्क मारा तो मेरे को तुथ मिल जाता फटाफट से। तो यहाँ पे रफ सी चल रहा है और यहाँ पे छोटे मोटे मिनियंस मारे जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे फाइनली शिप मेरी डूब गई थी, तो रिसेट करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। तो फाइनली हम लोग एक समन करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या फ्रूट मिलता है इतना सब मेहनत करने के बाद। और तुम लोगों के मतलब आश्चर्य के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक पेन फ्रूट मिला है, जबकि फ्रूट बिल्कुल उदास सा है, पर कोई बात नहीं, पेन फ्रूट की वैल्यू है तगड़ी। और इतने सारे फ्रूट्स मैं इकट्ठे करूँगा, पता नहीं किस रीज़न के लिए इकट्ठे करता हूँ मैं इतने सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स, किसी को दान देने के लिए आई थिंक बेसिकली। और ये तुम्हें अगले वीडियोस में इससे पहले वाले वीडियो में तुम्हें इसका उत्तर मिल चुका होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक बंदा है जो मेरा मतलब काफ़ी अच्छा साथी है, इस बंदे ने मुझे बोधा फ्रूट दे दिया, क्योंकि इससे देखा नहीं गया मेरा दुख, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्मा से दिक्कत हो रही थी मुझे। मेरे जैसे नूब को खेलने में मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार अकेले, मतलब कौन सी शार्क हम लोग कर रहे थे, टेरर शार्क हंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे मैंने थैंक्स बोल दिया, और उसके बाद में मैं बदले में भाई
क्या हो गया भाई। तो बदले में यहाँ पे हम लोग भी फ्रूट्स देते रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को भी मिलते रहते हैं, ऐसा हमारा आदान प्रदान चलता रहता है। और आप भी न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मेरे डिस्कॉर्ड पे भी आ सकते हो बिल्कुल, मतलब मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लेना जो भी न्यू कमर्स हैं। और यहाँ पे मैं फाइनली बुदा फ्रूट खा लेता हूँ। वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, बाय द वे मैं कहना भूल गया था, काफ़ी सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और उससे वीडियो आगे रेकमेंड होती नहीं है, तो ये मतलब फॉर द सेक ऑफ द एल्गोरिदम प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना, बाकी इससे मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर से हम लोग ट्राई करते हैं टेरर शार्क हंट। बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिवाई हंट के लिए जा रहे थे, तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो हम लोग टेरर शार्क को ही एक सीढ़ी मान के चल रहे थे कि टेरर शार्क को हम लोग कम से कम उतना तो हंट करें कम से कम। तो यहाँ पे मैंने बुदा फ्रूट खा लिया और दो चार जने मैंने इकट्ठे कर लिए, मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा अकेले मुझसे, तो यहाँ पे आ तो गई है टेरर शार्क, देखते हैं। और हम सब टेरर में भी हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा फिर से हो पाएगा, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, हम लोग ट्राई अपना बेस्ट करेंगे। और यहाँ पे दो तीन बुदा यूजर मुझे दिख रहे हैं, दो तीन तो नहीं, दो तो दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे देखते हैं। शार्क उड़ा उड़ा के फेंक के मार रही है, मतलब स्किल्स तो काम आते हैं, अगर तुम्हारे स्किल्स ही गंदे हों तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि मेरे यहाँ पे स्किल्स तुम लोग देख सकते हो, मैं उड़ उड़ के मतलब जा रहा हूँ लेकिन बेसिकली कर कुछ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में मैं पूरी ट्राई करता हूँ अपनी, लेकिन यहाँ पे मुझे असफलता मिलती है लेकिन भाई इसमें यहाँ पे मैं मतलब सक्सीड हो जाता हूँ, क्योंकि बाकी जो बंदे थे वो टेरर शार्क का किल कर देते हैं तब तक में। और यहाँ पे तुम लोगों को देखने मिलता है तीन बंदे बुदा यूजर्स का, भाई पहले तो दो ही थे, मतलब एक मैं था बाकी थे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक टेरर शार्क किल नहीं कर पाई तो यहाँ पे हमें शर्मनाक हार का सामना करना, हमें ब्लॉक थ्रूट खेलनी छोड़ देनी चाहिए अगर यहाँ पे भी हम किल ना कर पाए तो। और यहाँ पे एक और चीज़ तुम्हें दुखद बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे फ्रूट रिसेट हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, और यहाँ पे फिर से मैं मैग्मा फ्रूट पे पहुँच जाता हूँ। मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब मैंने मतलब सरप्राइज होना छोड़ दिया, सरप्राइज नहीं शॉक, सरप्राइज तो खुश करने को बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉक होना छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रही। मेरा भाई मतलब मेरे मैग्मा कौन सा फ्रूट छूटा था, मेरा बुदा फ्रूट मेरे से छूट गया बताओ, और मेरी प्रोग्रेस मतलब लेवल वाइज नहीं घटी है, कुछ कुछ चीज़ें पैक हो गई थी, मतलब जो मैंने बैली फार्म करी थी जैसे तुम लोग देख सकते हो वो चली गई थी, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें हमारी रह गई। और यहाँ पे मुझे फिर से एक अच्छे फ्रूट की ज़रूरत है, देखते हैं इस बार कौन देता है। और यहाँ पे फाइनली हमें म्यूटेंट टूथ मिल चुका है, शार्क टूथ। तो गाइस हमारा इस वीडियो का पर्पज़ पूरा हो चुका है, जो कि मैंने था शार्क टूथ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, जिन लोगों ने भी चैनल को करा है सब्सक्राइब उनको दिल से कलेजे से थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया कर लो भाई, मतलब क्या जा रहा है तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।